Hi everyone, I hope you all are well. So let's start learn biotech. We are starting learning the amino acids with amino acids with non-polar side chain. So non-polar side chain mein kaun se amino acids aate hain? The first one is glycine, alanine, valine, leucine, isoleucine, proline, methionine, phenylalanine and tryptophan. Ab kis tarike se hum in sab ke structures learn karenge wo dekhte hain. As you can see the structure of glycine, this is the simplest structure of amino acids kyunki yahan pe jo R chain ki jagah pe group juda hua hai wo hai hydrogen. Wo hai hydrogen, is wajah se ye simplest स्ट्रक्चर जो है वो ग्लाइसिन का है. सो ये देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है ऑलरेडी क्योंकि जनरल स्ट्रक्चर में होता है और आर चेन की जगह पे भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है. इसी वजह से ये दो जो एटम है ग्रुप है वो सेम है जिस वजह से हम इस स्ट्रक्चर को यानी ग्लाइसिन के स्ट्रक्चर को अकाइरल बोलते हैं. सो हम किस तरीके से लर्न करेंगे. ग्लाइसिन में हाइड्रोजन ग्रुप है सबसे सिंपल है. नेक्स्ट है एनिलीन. एनिलीन के अंदर यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा है यानी कि CH3. ये सिर्फ एक कार्बन का स्ट्रक्चर है आर्जिन. हमें ये चीज़ तो लर्न करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये जो है बिल्कुल जनरल स्ट्रक्चर है अमाइनो एसिड्स का जो मैंने वीडियो में भी बताया है पिछली वाली. सो यहाँ पे ये तीन चीज़ तो आपको लर्न करनी है. ये तो अमाइनो एसिड में आनी ही आनी है. इसके बाद हम सिर्फ आर्जिन जो है आर्जिन में क्या क्या जुड़ा हुआ है वही लर्न करेंगे किस अमाइनो ग्रुप में कौन सा जो ग्रुप है आर्जिन की जगह पर लगा हुआ है. तो देखिए एनिलीन में सिर्फ एक सिंपल कार्बन एक कार्बन का है यानी कि CH3 है. वेनिलीन को आप किस तरीके से लर्न करेंगे. वेनिलीन में तीन कार्बन का स्ट्रक्चर है 1, 2 and 3. थ्री कार्बन का स्ट्रक्चर है. ये देखिए वी की शेप बना रहा है ऐसे वी की शेप बना रहा है. इसे आप याद रखिए वेलिन में थ्री स्ट्रक्चर्स हैं वी की शेप बना रहा है. नेक्स्ट है ल्यूसीन. ल्यूसीन के अंदर चार कार्बन का स्ट्रक्चर है चार कार्बन है. यहाँ पे ल्यूसीन में वाई की स्ट्रक्चर बन रही है. देखिए 1, 2, 3 and 4 ये बन रही है वाई की स्ट्रक्चर. इस तरीके से याद रखिए. देन है आइसोल्यूसीन. आइसोल्यूसिन के अंदर भी चार कार्बन का स्ट्रक्चर है लेकिन यहाँ पे वाई की शेप बन रही थी तो यहाँ पे जो है वो सी की शेप बन रही है. ये देखिए ये है सी की शेप. तो इस तरीके से याद रखिए 1, 2, 3 and 4 कार्बन. अब हम इतना याद रखेंगे तो वैलेंसीज को हमें पता ही है कि कार्बन की चार वैलेंसीज होती है तो उसके अकॉर्डिंग हम हाइड्रोजन ग्रुप ऐड करके यहाँ पे स्ट्रक्चर बना देंगे 1, 2, 3, 4 कार्बन. नेक्स्ट वन इज प्रोलीन. प्रोलीन की स्ट्रक्चर भी सबसे डिफरेंट है. रिंग स्ट्रक्चर आ जाती है जो कि अमाइनो ग्रुप से ही जो है अटैच होती है. इसकी आर चेन अमाइनो ग्रुप से अटैच है. ये सबसे डिफरेंट स्ट्रक्चर है. ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि सबसे डिफरेंट स्ट्रक्चर जो है वो कौन से अमाइनो एसिड का होता है. वो है प्रोलीन. सो प्रोलीन में भी 1, 2, 3 कार्बन का स्ट्रक्चर है जो कि आर चेन से जुड़ा हुआ है. इस कार्बन से जुड़ा हुआ है एंड देन अमाइनो एसिड से जुड़ा हुआ सॉरी अमाइनो एसिड नहीं अमाइनो ग्रुप से जुड़ा हुआ है जिसकी वजह से ये एक रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है. नेक्स्ट वन इज मिथियोनिन. मिथियोनिन को आपको किस तरीके से याद रखना है कि ये 3 कार्बन का स्ट्रक्चर है 1, 2 and 3. 3 कार्बन का स्ट्रक्चर है लेकिन बीच में इसमें सल्फर लगा हुआ है. इस तरीके से आपको ये लर्न करना है. नेक्स्ट है फिनाइल एनिलीन. फिनाइल एनिलीन में सिंपल एनिलीन का स्ट्रक्चर है वो तो हमने याद कर ही लिया. नेक्स्ट एनिलीन पे जो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप था मिथाइल ग्रुप में फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है. इस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज ट्रिप्टोफेन. ट्रिप्टोफेन में भी ये अमाइन एनिलीन का स्ट्रक्चर है और एनिलीन के स्ट्रक्चर के बाद ये ट्रिप्टोफेन में ये वाला स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ है. आपको सिर्फ ये स्ट्रक्चर लर्न करना है और ये तो आपका एनिलीन का स्ट्रक्चर है ही तो इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका ट्रिप्टोफेन. सो हमने लर्न किए हैं 9 अमाइनो एसिड्स अभी जो कि अमाइनो एसिड्स विद नॉन पोलर साइड चेन है यानी कि जो नॉन पोलर साइड चेन जिनके पास प्रेजेंट है वो वाले कौन कौन से एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं. ग्लाइसिन एलेनिन वेलिन ल्यूसिन आइसोल्यूसिन प्रोलीन मिथियोनिन फिनाइल एनिलीन एंड ट्रिप्टोफेन. नाउ कम टू द अमाइनो एसिड्स विद अनचार्ज पोलर साइड चेन एट pH 7. हमने ये वाले अमाइनो एसिड्स लर्न कर लिए हैं अमाइनो एसिड्स विद नॉन पोलर साइड चेन. नाउ कम टू द अमाइनो एसिड्स विद अनचार्ज पोलर साइड चेन जिनके पास अनचार्ज पोलर साइड चेन होती है. देखिए सबसे पहला है इसमें हमारे पास 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं. सेरीन थ्रियोनिन सिस्टीन सिस्टीन आस्परजीन ग्लूटामाइन एंड थायरोसिन. ये 6 हमारे पास यहाँ पे अमाइनो एसिड्स हैं. देखिए इनके स्ट्रक्चर्स को हम किस तरीके से लर्न करेंगे. सो सीरीन में आते हैं. सबसे पहले सीरीन में क्या स्ट्रक्चर है हमारे पास ये देखिए यहाँ तक का स्ट्रक्चर सेम है. देन इस वाले स्ट्रक्चर में एक कार्बन जुड़ा हुआ है HH and OH. ठीक है HH दो हाइड्रोजन ग्रुप एंड OH. फिर थ्रियोनिन में आइए. थ्रियोनिन में दो कार्बन जुड़े हुए हैं एक कार्बन CH3 हाइड्रोजन एंड OH. इसी तरीके से सिस्टीन में आपका एक SH ग्रुप जुड़ा हुआ है. CH2 तक स्ट्रक्चर सेम है जैसे यहाँ पर था सी एक कार्बन जुड़ा हुआ है. नेक्स्ट SH पे आ जाइए. सिस्टीन में SH जुड़ा हुआ है. सिस से याद रखिए सिस यानी कि SH. ठीक है ऐसे याद रखिए सिस से आप बना लीजिए SH यहाँ जुड़ा हुआ है. फिर आता है एस्परजीन. एस्परजीन में क्या है आपका CH2 जुड़ा हुआ है एंड देन C से O एंड NH2. फिर ग्लूटामाइन. ग्लूटामाइन में यहाँ पे एस्परजीन में एक कार्बन था ग्लूटामाइन में दो कार्बन है उसके बाद ये ग्रुप जुड़ा हुआ है C डबल बॉन्ड O और NH2. नेक्स्ट वन इज टायरोसिन. ओके टायरोसिन. टायरोसिन में टायर से याद रखिए टायर यानी कि रिंग स्ट्रक्चर. यहाँ पे एक रिंग स्ट्रक्चर है एंड देन फिर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है. इस तरीके से इन 6 के आपको लर्न करने हैं. देन एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है एस्परजीन एंड एस्परजीन
या वो नीचे एस्पार्टेट है, वो आगे बताती हूँ. एस्पार्टजिन, एस्पार्टेट और ग्लूटामाइन एंड ग्लूटामेट. इसमें थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसमें क्या डिफरेंस है वो मैं नेक्स्ट में आपको बताती हूँ. फिर हम नेक्स्ट लर्न करते हैं अमाइनो एसिड्स विद चार्ज्ड पोलर साइड चेन एट पीएच 7. ठीक है, चार्ज्ड पोलर साइड चेन यानी कि चार्ज है तो पॉजिटिव हो सकती है और नेगेटिव हो सकती है. पॉजिटिव के हमारे पास अमाइनो एसिड्स हैं लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन, और नेगेटिव के हमारे पास है एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट. देखिए लाइसिन में क्या स्ट्रक्चर है, लाइसिन 1, 2, 3, 4, ओके 4 कार्बन एंड देन 1 इज NH3 पॉजिटिव ग्रुप. ठीक है, 5 है, 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि 4 कार्बन एंड 5th वाला जो है वो है NH3. इस तरीके से इसको याद रखिए. नेक्स्ट वन इज आर्जिनिन. आर्जिनिन में हमारे पास 1, 2, 3 कार्बन NH ग्रुप, देन नेक्स्ट कार्बन, ये तो आपको ऐसे ही लर्न करना पड़ेगा, NH2 पॉजिटिव और NH2 पॉजिटिव. यहाँ पे देखिए NH3 कितने आए, 3 आए हैं, 3 ग्रुप्स हैं NH2 के, NH3 के, एक NH है, एक NH2 और एक फिर NH2. नेक्स्ट वन इज हिस्टिडीन. हिस्टिडीन को याद रखिए, एक कार्बन, और यहाँ पे ये वाली स्ट्रक्चर लर्न करनी है जहाँ पे एक NH पॉजिटिव यहाँ पे है और एक NH यहाँ पे है. कौन कौन से कार्बन पे है ये भी देख लीजिए, फर्स्ट कार्बन पे और ये थर्ड कार्बन पे, पेंटागोनल वाली स्ट्रक्चर बनी हुई है और यहाँ पे ये हिस्टिडीन की स्ट्रक्चर है. एंड नेक्स्ट वन इज एस्पार्टेट. एस्पार्टेट में CH2 तक सेम है एंड देन COO नेगेटिव का ग्रुप लगा हुआ है. ग्लूटामेट में ऐसी तरीके से है लेकिन CH2 यहाँ पे दो लगे हुए हैं, दो CH2 लगे हुए हैं एंड देन फिर COO नेगेटिव यहाँ पे दिए हुए हैं. अब देखिए मैं आपको क्या बताती, कन्फ्यूजन हो सकता है आपके पास है एस्पार्टजिन और एस्पार्टेट में, नाम थोड़े से इनसे में तो हो सकता है. अब आप भी बताइए एस्पार्टजिन और एस्पार्टेट में से किसका नाम बड़ा है. ऑब्वियसली एस्पार्टजिन का नाम बड़ा है यानी कि इसमें जो ग्रुप लगा हुआ है वो बड़ा है, और एस्पार्टेट में जो ग्रुप लगा हुआ है वो है छोटा, यानी कि CO नेगेटिव है, सिंपल. ठीक है, CH2 के बाद की बात कर रही हूं मैं, CH2 के बाद CO एंड NH2 लगा हुआ है यहां पे और यहां पे ओनली COO नेगेटिव लगा हुआ है. इसी तरीके से ग्लूटामाइन में है, ग्लूटामाइन और ग्लूटामेट थोड़े से सेम से नाम है तो कंफ्यूजन हो सकता है. तो ग्लूटामाइन में क्या होगा कि बड़ा नाम है तो फिर CO और NH2 लगा है, और ग्लूटामेट थोड़ा छोटा नाम लग रहा है. ग्लूटामाइन वैसे तो सेम सा ही है बट फिर भी ग्लूटामाइन और ग्लूटामेट, तो यहाँ पे दो कार्बन है और फिर COO नेगेटिव है यानी कि छोटा ग्रुप है. इस तरीके से हमने कर लिए हैं कवर सारे अमाइनो एसिड्स. अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियो प्लीज. थैंक यू सो मच.